जयपुर से उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चंद्रशेखर भीम आर्मी के जो प्रमुख है उन पर हमला हुआ है, सहारनपुर में उन पर हमला हुआ है। देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, देवबंद में चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला। चंद्रशेखर के पेट से छू कर निकली गोली, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर हमला, देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर हमला, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर हमला, देवबंद में चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला। चंद्रशेखर के पेट से छू कर निकली गोली और उस वक्त की बड़ी खबर, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर हमला, देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर हमला। संवाददाता लियाकत इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। लियाकत, चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए त्रिशला, आपको मैं बता दूं, कुछ समय पहले भी कार सवार कुछ हमलावरों ने भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद उनके ऊपर फायरिंग की है। फायरिंग में जो है उनकी जो पीठ है उसको छूकर गोली निकली है, छर्रे लगे हैं और जो चंद्रशेखर आजाद है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और सहारनपुर पुलिस इन लोगों की तलाश में जुट गई है कि कौन लोग हमलावर थे और किस तरीके से हमला किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए जो चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो उनका काफिला था उसके ऊपर फायरिंग की गई है, हमला किया गया है। अब इसमें यह बात सोचने वाली है कि किन लोगों ने हमला किया है। देवबंद क्षेत्र में हालांकि मंत्री भी है वहां, लोग निर्माण मंत्री ब्रजेश भी है और देवबंद अपने आप में एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है, वहां पर हमला होना एक अपने आप में बड़ी बात है जी। देखिए जिस वक्त जो चंद्रशेखर पे लियाकत हमला हुआ है, चंद्रशेखर का क्या कोई प्रोग्राम प्रस्तावित था क्या जो देवबंद के इलाके में चंद्रशेखर मौजूद थे? देखिए आपको मैं बता दूं, बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर किसी काम से देवबंद के रास्ते निकल रहे थे, उसी टाइम इनके ऊपर हमला किया गया है। ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है कि हमलावर कौन थे और कहां हमला हुआ है, किस जगह हमला हुआ है। हालांकि पुलिस चेकिंग कर रही है कि कौन लोग हमलावर थे, किस तरीके से हमला किया गया है जी। इस वक्त स्थिति कैसी है चंद्रशेखर आजाद की, उनके इलाज को लेकर के क्या कुछ अपडेट है लियाकत? देखिए बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, हालांकि जो स्थिति है खतरे से बाहर बताई जा रही है जी। लियाकत, चंद्रशेखर आजाद पर हमला होना कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है, क्या कुछ अपडेट है, किस प्रोग्राम के तहत चंद्रशेखर जो है वो देवबंद पहुंचे हुए थे? देखिए त्रिशला, आपको मैं बता दूं, देवबंद किसी काम से गए थे, किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद क्षेत्र में गए थे और उसी दौरान इनके ऊपर हमला किया गया है। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि किस तरीके से हमला किया है, हमलावर कौन हो सकते हैं, किन लोगों ने हमला किया है और किस वजह से हमला किया है, ये साफ नहीं हो पाया अभी। हालांकि जो सहारनपुर पुलिस है नाकेबंदी करके जाँच कर रही है, हमलावरों की तलाश कर रही है जी। कितने देर पहले की ये घटना है लियाकत, कितना वक्त हुआ इस घटना को? अभी कुछ देर पहले ही घटना हुई है। हालांकि सहारनपुर पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों की या शहरी क्षेत्रों की हम बात करें, जगह जगह चेकिंग कर रही है कि हमलावर कौन थे, किस तरीके से हमला किया गया, हमलावरों ने हमला किस वजह